दोस्तों, आप अक्सर ही मार्केट में सब्जी या फिर फल खरीदने तो जाते ही होंगे, लेकिन कई बार सब्जी बेचने वाले सब्जी खरीदने वाली महिलाओं के साथ कुछ ऐसी शर्मनाक हरकत कर देते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और इन सब को देखने के बाद बहुत सी महिलाएं मार्केट जाना बंद कर दिए हैं। दोस्तों, आप यकीन नहीं कर सकते कि ये सब्जी वाले किस तरह महिलाओं की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं और महिलाओं के आंखों के सामने ही उनके साथ ऐसा धोखा कर देते हैं कि उनको भनक भी नहीं लगती। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी शर्मनाक हरकतों के बारे में कि किस तरह सब्जी वाले महिलाओं के साथ ये सब कर जाते हैं और महिलाओं को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से लाइक कर दें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए दर्शक हो तो नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपके और हमारे बीच ये रिलेशन बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए इस महिला को जो अच्छे अच्छे प्याज चुनकर सब्जी वाले को देती है। और सब्जी वाला बड़ी आसानी से महिला के पलक झपकते ही महिला को कैसे बेवकूफ बनाता है। दोस्तों, ध्यान से देखिए, उस महिला ने अच्छे अच्छे प्याज चुनकर सब्जी वाले को दी और फिर जैसे ही सब्जी वाला उन प्याजों को पन्नी में डालता है तो वो तुरंत ही दूसरी पन्नी में रखी हुई खराब प्याजों से बदल देता है। अब आपको दूसरी वीडियो दिखाते हैं। सबसे पहले ये अंकल अपने अच्छे फल चुनकर एक पन्नी में इकट्ठा कर लेते हैं और एक भी फल खराब हो जाने पर उसे तुरंत ही बदल देते हैं। लेकिन जरा ध्यान से देखिए दोस्तों कि ये सब्जी वाला किस तरह की हरकत कर रहा है। पहले से ही तैयार फल की पन्नी को साफ फल की पन्नी से बदल देता है। दोस्तों, अब जरा इस फल वाले को देखिए, ये कितनी चालाकी से कांटे पर कुछ फल रख देता है ताकि फल कम तोले जा सके और तोलने के बाद उस फल को बड़ी चालाकी से नीचे गिरा देता है। सामने खड़े फल लेने वाले को कुछ पता भी नहीं चल पाता। दोस्तों, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अब जरा इस सब्जी वाले अंकल को देखिए, ये पहले से ही खराब फलों की पन्नी को किस तरह से तैयार रखते हैं और फिर मौका मिलते ही ग्राहकों को अच्छे फलों के साथ ही बदल देते हैं। दोस्तों, सच में ये सब्जी वाले ऐसी हरकत इतनी सफाई से करते हैं जिन्हें देखकर पता भी नहीं चल सकता कि ये इतने घिनौने हरकत भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपसे सिर्फ यही गुजारिश करेंगे कि आप जब भी बाजार में फल या सब्जी खरीदने जाएं तो एक बार वहाँ पर साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। सब्जी वाले के तराजू और उसके हाथों को ध्यान से देख लें, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर ऐसी सब्जी वालों को किस तरह से सबक सिखाना चाहिए। दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।